हेलो एवरीवन। सो इन अगेन लेक्चर वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के मेथड पढ़े, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। राइट, अब जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि मास मास पे अट्रैक्ट करता, फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बना है, ऐसे ही यहां पर बात करेंगे चार्ज लगने वाले फोर्स की जो कूलम्ब्स ने दिए थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, फोर्स लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगता है। तो अब अगर इस यूनिवर्स में कोई भी दो चार्जेस हैं, बट एक कंडीशन है, चार्ज शुड बी एट रेस्ट, पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबली पॉइंट चार्ज के लिए। टू चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस आर। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है, एक क्या है Q2, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है आर। तो अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स। अब वो फोर्स कैसा हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी रिपेल करेगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब तो कूलम्ब्स ने क्या कहा, डेफिनेटली इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैंने यहां पर बोला प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड इसका मतलब, तो अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर मुझे यहां पर बाय द वे नेगेटिव चार्ज है तब भी मुझे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, राइट, क्यों, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन इंडिकेट करता अपोजिट डायरेक्शन, फिर आपको वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, यहां पर भी यूनिट वेक्टर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो यह सबसे बड़ी बात है यहां पर, इसलिए मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लिखा जाता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम जब भी हटाते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू है 1/4πε0। ये जो मैंने लिखा ना, ये ई के नीचे से ई जैसा और डॉट लगाया, इसको क्या बोलते हैं, इसकी रियल प्रोनंसिएशन होती है एप्सिलॉन नॉट, NAUGHT, इसकी प्रोनंसिएशन, नॉट का मतलब स्पेस के लिए यूज हुई है, राइट, बताएंगे अभी इसके बारे में करते हैं जिक्र। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, और इसकी वैल्यू है 9×10⁻¹। देखो K की वैल्यू 9×10⁹। अब यूनिट के एचडी उधर चला गया, एफ फोर्स की क्या है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, चार्ज की कूलम इनटू कूलम, कूलम का स्क्वायर नीचे चला जाएगा, इसलिए मुझे इनवर्स में लिखना पड़ेगा। तो ये 1/4πε0 की वैल्यू इतनी है, और जो एफ का फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बोलने में क्या है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर हम बात करिए एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, राइट। इतने वैक्यूम है ना, इसमें वैक्यूम में डबल यू आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है VACUM, वो गलत है, राइट। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम जस्ट के मीडियम के बारे में बताती है। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा, अगर मैंने यहां पर नोट, नोट का मतलब फ्री स्पेस वैक्यूम में यूज हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी यहां से आ जाएगी, ये 9×10⁹ नीचे चला जाएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 8.854×10⁻¹2, और यूनिट भी चेंज हो जाएगी रेसिप्रोकल, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो ये है परमिटिविटी की वैल्यू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, राइट। लेकिन एक बात देखो, ये जो फोर्स लगा है ना, ये किस में लगा, फ्री स्पेस और वैक्यूम में, क्यों, एप्सिलॉन नॉट।
हाँ अगर खाली में इसको बोलूं ये क्या है एप्सिलॉन, नोट तो इसके लिए स्पेस के लिए यूज हुआ है, तो ये एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं परमिटिविटी, तो परमिटिविटी होती क्या है राइट तो परमिटिविटी होती है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, That affects the electric force between various charges. एक सीधी सी बात, ये फ्री स्पेस में फोर्स लगा, दो चार्जेस हैं, वैसे भी दो पर्सन है, जनरली एक दूसरे पर पंच कर लगाते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, उन दोनों को पानी में डुबो दिया जा रहा है, आपका पंच लगा के दिखाओ, तो डेफिनेटली अगर वो पानी में एक दूसरे पर पंच लगाएंगे तो सेम पंच थोड़ा लगेगा, फोर्स तो अलग अलग हो जाएगा, सेम यही पर यहां पर अगर मीडियम चेंज करेंगे तो चार्ज के बीच तो कोई आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो फोर्स कम लगेगा, तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी, ये चेंज हो जाएगा तो मीडियम चेंज हो जाएगा राइट तो ये है परमिटिविटी और ये है हमारे पास कूलम्स लॉ राइट अब कूलम्स लॉ में क्वेश्चन सिंपल जो किस तरीके के कुछ क्वेश्चन राइट जैसे टू चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकुलम एंड 20 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, अ थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड वेयर शुड बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज जीरो, वो थर्ड चार्ज की वैल्यू भी कह देगा कि यहां पर 2 माइक्रोकुलम। सिंपल सी बात, अब स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि क्या कहा, दो चार्जेस हैं, फर्स्ट वाला है प्लस 5 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब 10^-6, सेकंड है 20 माइक्रोकुलम, 20 × 10^-6 कुलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, मैंने सेंटीमीटर के मीटर बना दिए 20/100। अब थर्ड चार्ज इनके बीच की लाइन पे, पूरी स्टेटमेंट में लाइन भी आएगा, कहां पर रखा जाए कि किस चार्ज से किस डिस्टेंस पे रखा जाए कि नेट फोर्स क्या लगे, जीरो। अब मैंने यहां पर बात कौन सा चार्ज है, थर्ड 2 माइक्रोकुलम, वो 2 माइक्रोकुलम मैंने यहां पर रख दिया P पॉइंट पे, तो 2 × 10^-6 कुलम। अब सीधी सी बात, ये प्लस वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, फर्स्ट वाला जो A पॉइंट पे है B पे, और ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, जैसे एक पॉइंट है यहां पर 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, नेट फोर्स क्या बन गया, जीरो इस पॉइंट पे, क्यों, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला भी इसको क्या करेगा, रिपेल। अगर दोनों का फोर्स सेम होगा तो 100% एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, इक्विलाइज, तो उस पे नेट फोर्स क्या बन जाएगा, जीरो। जैसे अब इन दोनों के बीच जो फोर्स बना 5 × 10^-6 के Q1, Q2 कितना, 2 × 10^-6, इसकी डिस्टेंस क्या कंसिडर की, एक्स, इधर क्या बच गई, 0.2-x, ये डिस्टेंस x और ये क्या बच गई, 0.2-x, बिल्कुल इससे x डिस्टेंस हमने कंसीडर किए, कितनी बच गई, 0.2-x। अब नीचे डिस्टेंस कितनी है, x, x स्क्वायर, तो ये फर्स्ट इसके और इसके बीच का फोर्स है, इसने इसको रिपेल किया, अब ये वाला भी इतना ही फोर्स लगाएगा तभी तो इक्विलाइज होंगे, तो ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, के Q1 कितना, 20 × 10^-6, 2 × 10^-6, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल सिंपल ही किया,
q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर एक्स। यहां पर क्या आएगा, q1 q2 के है कितना 0.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसल, इससे ये कैंसल, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6, 5, ये कितना हो गया 4। तो मेरे पास अब यहां पर क्या बच गया, इसको ऊपर ले जाओ, 0.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, स्क्वायर रूट रूट से क्या, स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसल, तो 0.2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो 0.2 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया था इज इक्वल टू 2x, इधर जाके किस चीज का हो जाएगा एक्स प्लस का, तो 3x इज इक्वल टू 0.2, x इज इक्वल टू 0.2 बाय 3 मीटर, राइट। तो ये डिस्टेंस है, ये सिंपल क्वेश्चन है, राइट। लेकिन अगर इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, दोनों की पोलरिटी क्या है सेम, अगर मैं यहां पर दोनों की पोलरिटी डिफरेंट डिफरेंट कर दूं, ध्यान से समझना, मेरे पास सपोज करो ये दो चार्जेस हैं, एक है 10 कूलम एक है -90 कूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 20 मीटर, क्वेश्चन कुछ भी हो सकती है स्टेटमेंट, चलो 20 लिख लो। अब कहे कि थर्ड चार्ज, यहां पर जो थर्ड चार्ज है 2 कूलम, वो कहां पर रखें कि इस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या लगे, 0 ड्यू टू दिस चार्जेस। अब जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि एक्स डिस्टेंस पे रख लेते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, रियल में नहीं हो सकता, क्यों, अगर ये पॉइंट है यहां पर मैंने 10 न्यूटन, यहां पर 10 न्यूटन, तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा एट सेम डायरेक्शन में। एक सीधी सी बात समझो, एक्स डिस्टेंस पे यार 2 कूलम रखा, अरे पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपेल ये, क्योंकि मेन तो इसमें बताना ना कितना फोर्स लगा, ये पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला क्या करेगा अट्रैक्ट, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम, राइट। तो यहां कभी नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना अगर कभी भी दोनों चार्जेस की पोलरिटी डिफरेंट, पोलरिटी का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमेशा आउटसाइड द लाइन, और आउटसाइड द लाइन भी जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्यों, और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा डिस्टेंस भी कम होगी, तो डेफिनेट डिस्टेंस तो नीचे आती है ना, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस भी कम हो जाएगी और चार्ज ज्यादा है तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा, कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो हमेशा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है आपको उस साइड में जाना है। अब इधर इस 10 कूलम से एक्स डिस्टेंस पे मैंने चार्ज रखा 2 कूलम, तो ये कितनी डिस्टेंस थी 20 मीटर। देखो 10 वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, -90 वाला क्या करेगा अट्रैक्ट, अगर ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी सेम, क्यों, ये रिपेल ये अट्रैक्ट, और दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो यहां पर नेट फोर्स क्या बनेगा 0। तो अब 10 वाले ने इस पे फोर्स लगाया क्या, के q1 कितना है 10, q2 कितना 2, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, राइट। तो -90 वाला के q1 कितना 90, राइट, मैंने माइनस नहीं लिया यहां पर, क्यों, डायरेक्शन तो इंडिकेट कर दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, फिर चार्ज कौन सा 2 कूलम, डिस्टेंस 20, ये एक्स ये क्या बन गया 20 प्लस एक्स का स्क्वायर, के से के क्या हो गया कैंसल, 2 से 2, 0 से 0, इसको ऊपर ले जाओ, 20 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन गया 20 प्लस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट। तो अब इस चार्ज से डिस्टेंस 10 मीटर और -90 से 10 प्लस 20 कितने मीटर हो गई 30, वो डिपेंड करेगा कि -90 से पूछे या किससे पूछे, राइट। तो ये दो तरीके के अगर सिंपल लाइन पे हो
बाकी तो फिर बात करते हैं उनकी कि जो एक वेक्टर फॉर्म में है, राइट, तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।